अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी चिकन चंगेज़ कैसे बनाते हैं। तो पहले तो मैंने 1 kg चिकन लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली, फिर मैंने 1-2 टेबलस्पून लेमन जूस डाला और फिर मसाले डालना शुरू कर दिए। तो पहले 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, फिर 1 चम्मच ज़ीरा, फिर ये हल्दी मैंने डाल दी और रेड चिली पाउडर भी डाल दिया और गरम मसाला और जो सूखा धनिया और नमक हंसपे जाएगा। फिर इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया ताकि बाद में मैरिनेट कर सकूँ। और मैरिनेट आपने कोई 1 घंटा या 30 मिनट कर लेना है, फ्रिज में भी रख सकते हैं लेकिन मैंने बाहर ही रख लिया था साइड पे। फिर जब आपका चिकन मैरिनेट हो जाए तो एक वॉक लेना है, उसके अंदर आपने तेल डालना है और फिर जो चिकन मैरिनेट किया था उसको एक एक करके उस वॉक में डालना है ताकि वो कुक हो जाए और उसकी साइज भी बदलती रहे। और जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ, और मीडियम फ्लेम, इतनी तेज़ ना करना नहीं तो फिर वो जल जाएगा। और उसके ऊपर लिड रख लें, 5-10 मिनट में ये पक जाता है। फिर एक पतीले में मैंने 3-4 अनियंस काट लिया, 3-4 टमेटोज डाल दिए मैंने, ये मैंने जावित्री, बे लीव्स, लौंग, काली इलायची, चिली सारी डाल दी अंदर और फिर ये ग्रीन चिली भी मैंने डाल दिया उसमें। मैंने जितना आपकी ये सारा मिक्सचर डूब ना जाए उतना मैंने पानी डाला और उसको मिक्स कर लिया। और आपने ये तब तक बॉईल करना है जब आपके टमाटर गलने नहीं लग जाते और आपको नज़र आ रहा है कि ये अब अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएंगे, जैसे उनकी स्किन उतरने वाली है। फिर मैंने इसको, जब ये ठंडा हो गया था, फिर मैंने इसको ब्लेंड किया, नहीं तो इसको गर्म ब्लेंड नहीं करते हैं। और वो जिस स्मोक के अंदर मैंने वो चिकन किया था और उसको निकाल दिया था, उसके अंदर ये ब्लेंडेड मिक्सचर मैंने डाला और उसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया जब तक ऊपर उसकी एक लेयर नहीं आ जाती तेल की। फिर मैंने ज़ीरा, रेड चिली पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, रेड चिली फ्लेक्स और नमक डाला और उसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया उसी मिक्सचर में जो अभी हमने टमाटर वाला मिक्सचर डाला था। फिर जब ये एक लेयर आ जाती है ऑयल की टमाटरों को, फिर हमने वो जो चिकन बनाया था हम वो ऊपर डाल देते हैं। और फिर आप टमाटर वाले पेस्ट को और चिकन को अच्छे तरीके से मिला लें। जब आपका चिकन और टमाटर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने उसके अंदर 1/4 कप या 1/2 कप क्रीम डालनी है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर जब वो बबल करने लग जाए तो ऊपर कसूरी मेथी छिड़कते हैं और बस आपका ये चिकन चंगेज़ी बन गया। और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये डिश कैसी लगी।